नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टोला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं मानव शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित सारे वैसे 50 प्रश्न दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में, जो आपके कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और फ्रेंड्स, आगामी एग्जाम्स के लिए ये क्लास, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी दोस्तों, अगर वीडियो में पहली बार आए दोस्तों तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां दोस्तों होती है? जी हाँ, इस प्रश्न का राइट और बिल्कुल सही आंसर दोस्तों रहेगा, मनुष्य में जो हड्डियां होती है वो दोस्तों 206 होती है। अगर बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की, नवजात शिशुओं में हड्डियों की जो संख्या होती है दोस्तों लगभग कितनी होती है? जी मैं बैठा दोस्तों, तो नवजात शिशु में लगभग जो हड्डियों की संख्या होती है लगभग 300 के आसपास होता है। ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी में दोस्तों कितनी अस्थियां होती है? जी हां दोस्तों, मनुष्य की जो खोपड़ी में जो अस्थियां होती है दोस्तों वो 8 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। नंबर 4 है, मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े दोस्तों होते हैं? तो बिल्कुल सही और राइट आंसर दोस्तों रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए 12 जोड़े होते हैं। तो ऐसे कई सारे प्रश्न दोस्तों हैं जो आपको एग्जाम में पूछते हैं, बट आप फ्रेंड्स भूल जाते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर लगाइए, जो आपके फ्रेंड्स आगामी एग्जाम्स में 4 चांद लगा सकता है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो दोस्तों होती है, ये प्रबल अस्थियां कौन सी होती है दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जबड़े में दोस्तों होता है। कहां पे? जबड़े में। एसएससी 2002 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी मेरे प्यारे दोस्तों कौन सी है? तो वह है स्टेपिस दोस्तों, जो कान में पाया जाता है। अगर वही में बात करते हैं दोस्तों हम मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी, तो दोस्तों ये कौन सी होती है दोस्तों? और साथ ही यह होता है फीमर, सभी को पता है, और ये दोस्तों जांग में पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी मानव के पैर की हड्डी दोस्तों नहीं है? पैर की हड्डी नहीं है जी दोस्तों, तो वह है ह्यूमरस है दोस्तों, बाकी टीबिया, फीमर, फिबुला, ये सभी के सभी पैर के ही हड्डियां हैं। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 9 की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, ह्यूमरस जो अस्थियां दोस्तों होती है ये कहां पे पाई जाती है दोस्तों? अगर पैर में नहीं पाई जाती तो फिर ये कहां पाई जाती है दोस्तों? तो ये ऊपरी भुजा में। हाँ जी दोस्तों, ये ऊपरी भुजा में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में पैर की जो दोस्तों हड्डियां होती है वे कैसी होती है? जी दोस्तों, ये संरग्न होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट रहेगा। ठीक है, टीबिया नामक हड्डी फ्रेंड्स मेरे दोस्तों किस में पाई जाती है? जी हाँ, आसान प्रश्न है। तो टीबिया नामक जो दोस्तों हड्डियां होती है, जो अस्थियां होती है, ये दोस्तों टांग में पाई जाती है। आरआरबी 2004 में देख सकते हैं, यहाँ से बीपीएससी 1994 में कितनी शायद दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपको कई बार देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, नंबर 12 की बात करते हैं, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है दोस्तों? सबसे जो लंबा होता है दोस्तों वह जांघ की हड्डी होती है, जो फीमर कहलाती है। ठीक है, दांत तथा हड्डियों में पाए जाने वाला दोस्तों जो तत्व है वह तत्व कौन सी है? जी दोस्तों, वह तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट रहेगा। वृद्धा अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है दोस्तों? जब वृद्ध लोग होने लगते हैं तो उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, किसके कारण दोस्तों? तो कैल्शियम के कमी के कारण दोस्तों उनकी जो हड्डियां होती है वो कमजोर हो जाती है, क्योंकि हड्डियों में दोस्तों पाए जाने वाले जो तत्व है वो कैल्शियम और फास्फोरस ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर 15 की, अस्थि में कौन सी लवण सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों होती है? तो अस्थि में दोस्तों जो लवण होती है सर्वाधिक मात्रा में होता है कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों और पेशियों को आपस में जो दोस्तों जोड़ता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह कहलाता है टेंडन, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट रहेगा। नंबर 17 है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार दोस्तों विकसित होते हैं? कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, तो ऐसे 20 दांत हैं जो दोस्तों 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं एनसीबीपीएससी 1994 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में दोस्तों संपन्न होता है? जी हाँ दोस्तों, तो संपन्न की अगर बात करते हैं तो छोटी आंत दोस्तों पूर्ण होती है, संपन्न होती है। ठीक है, और शुरू होता है मुख से ही। मनुष्य में पाचन क्रिया दोस्तों कहाँ आरंभ होती है? जो मैंने फ्रेंड्स क्वेश्चन बोला वो क्वेश्चन आ भी गया है, पाचन जो क्रिया दोस्तों आरंभ होती है, जो शुरू होती है दोस्तों, वह मुख से ही दोस्तों शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, मानव की पाचन नली लगभग दोस्तों कितनी फीट लंबी होती है? जी दोस्तों, मनुष्य के जो पाचन नली दोस्तों लंबी होती है वो लगभग आपके 32 फीट जो होते हैं लंबे होते हैं। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, मुख में मंड यानी कि स्टॉर्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा दोस्तों होता है? तो जी हाँ दोस्तों, यह जो होता है आपका इस प्रश्न का राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दोस्तों टाइलिन इज राइट आंसर। ठीक है, अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है दोस्तों और साथियों, पाचन तंत्र का जो हिस्सा नहीं है ये कौन नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया इज राइट आंसर, क्योंकि कॉर्निया दोस्तों हमारे आंख में पाए जाते हैं। ठीक ना, नंबर नेक्स्ट है, शरीर के लिए एंजाइम्स आवश्यक होते हैं क्यों? चूंकि दोस्तों इसलिए आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर आएगा।
दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला दोस्तों जो एंजाइम्स होता है, ये एंजाइम्स कौन सी होती है दोस्तों? जी हाँ, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला दोस्तों जो एंजाइम्स होता है, ये एंजाइम्स होता है आपका रेनिन। कौन सा दोस्तों? रेनिन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 50 क्वेश्चन वीडियो में देखेंगे दोस्तों, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित दोस्तों किए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, तो ये जो किए जाते हैं ये दोस्तों छोटी आंत से ही किया जाता है। लार में कौन से दोस्तों एंजाइम्स होते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लगाइएगा। लार में दोस्तों कौन से एंजाइम्स पाया जाता है? रेनिन है, टाइलिन है, टेलिन है या रेजिन है? इस प्रश्न का हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट में, ठीक है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता दोस्तों होती है? जी हाँ दोस्तों, तो खास जो आवश्यकता होती है दोस्तों वह होता है आपका ऑप्शन नंबर सी एंजाइम्स, इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। देख सकते हैं कई ऐसे प्रश्न दोस्तों जो पीछे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं नंबर नेक्स्ट की, और दोस्तों अगला प्रश्न आपसे कहता है कि लार किसके पाचन में सहायता करता है? जी दोस्तों, लार जो दोस्तों सहायता करता है किसके पाचन में? तो स्टार्च के पाचन में सहायता करता है। मानव में आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो एक्स दोस्तों क्या है? जी हाँ बिल्कुल आसान है दोस्तों, तो यह एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है दोस्तों, जिसे हम HCl कहते हैं दोस्तों, ठीक है। HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, आमाशय में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की दोस्तों बात करते हैं, जितने भी क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पे, सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो नंबर 30 की बात करते हैं, मानव शरीर में भोजन का रक्त के द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है दोस्तों? तो यह होता है सबसे ज़्यादा छोटी आंत में। नंबर 31 है, प्रोटीन की पाचन कहाँ से दोस्तों प्रारंभ होता है? जी हाँ दोस्तों, तो प्रोटीन की जो दोस्तों पाचन है ये उदर से शुरू हो जाता है, उदर से स्टार्ट हो जाता है। आमाशय के द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेता है, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों को अप्रभावित रहता है दोस्तों, क्यों? जी हाँ दोस्तों, तो यह इसलिए होता है चूंकि आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा दोस्तों सुरक्षित रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट रहेगा। नंबर नेक्स्ट नंबर 33 आपसे पूछता है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सी अंग चूषण करता है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत इज राइट आंसर। पेप्सिन दोस्तों जो है ये एक क्या है? तो दोस्तों साथियों, पेप्सिन जो है एक एंजाइम्स है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों पेप्सिन किस में बदलता है? जी हाँ दोस्तों, पेप्सिन जो दोस्तों बदलता है ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, ठीक है, किस में बदलता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में दोस्तों बदल जाते हैं? बिल्कुल आसान है, इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों रहेगा एमिनो अम्ल इज राइट आंसर। क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, नंबर 37 की, निम्नलिखित में से किस अंग वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत रहेगा राइट आंसर। पित्त निम्न में से दोस्तों किसके द्वारा पैदा किया जाता है? कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, तो ये जो है यकृत के द्वारा पैदा किए जाते हैं। और पित्त दोस्तों जमा कहाँ होता है? जी दोस्तों, तो पित्त जो जमा होता है पित्ताशय में जाके जमा होता है। तो कई बार इसमें कन्फ्यूजन्स होता है, गलतियाँ होती है, तो बचिएगा ऐसे गलतियों से। पित्त दोस्तों जो पैदा होता है यकृत से और जमा होता है कहाँ? पित्ताशय में। तो कई बार प्रश्न गलतियाँ होने की संभावना होती है, तो बचिएगा जरूर इससे गलतियों से। नंबर 40 है, पित्त जो दोस्तों होता है इसका प्रमुख काम क्या होता है, कार्य क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, तो वसा का पायसीकरण इसका जो है प्रमुख कार्य है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था दोस्तों? तो सबसे पहले दोस्तों जो यह किया गया था ये विलियम हार्वे के द्वारा दोस्तों किया गया था, ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। पेसमेकर का संबंध मेरे प्यारे दोस्तों किससे है? जी हाँ, पेसमेकर का दोस्तों जो संबंध है ये दोस्तों हृदय से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नंबर 43 की, और पूछता है आपसे कि पेसमेकर जो है इसका काम क्या है, इसका कार्य क्या है? जी हाँ दोस्तों, तो दिल की धड़कन को प्रारंभ करना ही पेसमेकर का कार्य होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति प्रेरक किससे दोस्तों संबंधित है? तो गति प्रेरक है जो मेरे पर दोस्तों यह जो संबंधित है यह है आपका हृदय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किनकी भित्तियों पर रक्त के द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी कि दोस्तों ब्लड प्रेशर कहते हैं? जी दोस्तों, तो यह कहा जाता है किसको? ऑप्शन नंबर सी, धमनी पर दोस्तों दबाव डाला जाता है, ठीक है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपके स्क्रीन पर नंबर 46, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न भी है। सोते वक्त रक्तदाब दोस्तों क्या परिवर्तन होता है दोस्तों? तो सोते वक्त जो रक्तदाब होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है दोस्तों, वह घटता है, क्या होता है? घट जाता है।
रुधिर दबाव यानी कि ब्लड प्रेशर मापक दोस्तों जो यंत्र यानी कि बीपी जो जांच करते हैं, जो ब्लड प्रेशर जांच करते हैं, वह यंत्र का क्या नाम होता है जो डॉक्टर फ्रेंड्स आपको लगाता है हाथों में दोस्तों, वह जो होता है ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट रहेगा। नंबर 48 सॉरी जार्बिक सेवन दोस्तों क्या है, जार्बिक सेवन जो दोस्तों है मेरे साथियों है यह एक कृत्रिम हृदय है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये रहा अगला प्रश्न, और जितने भी प्रश्न हैं सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सारे आपके लिए बेहतरीन है। और लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के दोस्तों कारण उत्पन्न होती है, जी दोस्तों लब डब ध्वनियाँ जो उत्पन्न होती है दोस्तों यह होती है हृदय के कारण। नंबर 50 का आपको आंसर करनी है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय दोस्तों लगता है, बिल्कुल आसान है, एक सेकेंड का समय, एक मिनट का समय, 1.5 सेकेंड या 0.8 सेकेंड का समय लगता है। तो इस प्रश्न का सही और राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लगानी है, हमें इंतजार रहेगा आपके रिस्पांस का, आपके कमेंट का। और चाहते हैं इसी का दोस्तों 51 नंबर से पार्ट नंबर 2 मैं शुरू करूं, तो दोस्तों आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पार्ट नंबर 2 आपको चाहिए या नहीं चाहिए। फ्रेंड्स अगर यस का कमेंट आएगा हाँ सर पार्ट 2 चाहिए तो जरूर दोस्तों आपको मिल जाएगा। तो ऐसे प्रश्न ऐसे क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते हैं आपके पार्ट 2 में, तब तक के सभी साथियों को जय हिंद वंदे मातरम।